अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल, मैं हूं फराद अहमद। हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के बारे में। जी नाजरीन, अगर हम बात करें तो ये 12 वर्ल्ड कप जो हो चुके हैं उसमें सबसे पहला वर्ल्ड कप जो था वो 1975 में लॉर्ड्स के मुकाम पे हुआ, जो कि वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल मैच हुआ। और आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये पहला मैच 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप का था, जो कि वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 291 स्कोर किया, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए और ये 60 ओवर का मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में 274 रन पे ऑल टीम आउट हो गई, जिसके बाद वेस्ट इंडीज ने ये मैच 17 रन से जीत लिया। और इसके बाद ये वेस्ट इंडीज को काली आंधी के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद सेकंड वर्ल्ड कप की बात की जाए, सेकंड वर्ल्ड कप 1979 में हुआ, जो कि उसमें वेस्ट इंडीज मुकाबला इंग्लैंड था। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 286 रन बनाए, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए और इंग्लैंड ने 194 रन किए 51 ओवर में और उनके ऑल आउट हो गए। ये मैच भी लॉर्ड्स के मैदान में हुआ और ये मैच भी 60 ओवर का मैच था। और जबकि देखा जाए वेस्ट इंडीज ने ये दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया और 92 रन से शिकस्त देकर इंग्लैंड को ये वर्ल्ड कप का दूसरा टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे वर्ल्ड कप के बारे में। तीसरे वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं तो 1983 में ये वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में हुआ और ये भी लॉर्ड्स के मुकाम पे हुआ। और इसमें अगर बात करते हैं तो इंडिया ने पहले खेलते हुए 183 स्कोर किया, जिसमें उनके ऑल आउट हो गए 54.4 ओवर में। और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम, जो काली आंधी के नाम से मशहूर है, उन्होंने 140 स्कोर किया और उनके ऑल आउट हो गए 52 रन से। और ये मैच इंडिया ने 43 रन से जीत के ये तीसरा टाइटल अपने नाम किया। और चौथे वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, वो 1987 में मुनक्किद हुआ और ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान हुआ। और इस वर्ल्ड कप की खास बात ये थी कि ये पहली दफा इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप इनका हुआ और ये वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया। एक और सबसे बड़ी चेंज जो आया, इसमें 50 ओवर का पर साइड का मैच खेला गया। ये 8 नवंबर 1987 में खेला गया। और इसकी अगर हम फाइनल मैच टीमों के बारे में बात करें तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल मैच हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 7 रन से जीत के टाइटल अपने नाम किया। पांचवें वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं तो ये 1992 का वर्ल्ड कप है, जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है कि इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का दरमियान फाइनल मैच हुआ। पाकिस्तान ने 249 रन बनाए और 50 ओवर्स में उनके 6 आउट हुए, जबकि इंग्लैंड 227 रन बना के ऑल टीम बुक हो गई। इसमें बात की जाए तो इमरान खान हमारे कप्तान थे और पाकिस्तान ने ये मैच इंग्लैंड को 22 रन से हरा के ये पांचवें वर्ल्ड कप में पहली दफा टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद छठे वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो छठे वर्ल्ड कप में 1996 में ये वर्ल्ड कप हुआ और ये इसमें पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। इसके फाइनल मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ और इसमें अगर फाइनल टीम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का ये मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन पे 7 आउट पे 50 ओवर में स्कोर किया, जबकि जवाब में श्रीलंका ने 245 रन 3 खिलाड़ी 46.2 ओवर में ये टाइटल अपने नाम किया। श्रीलंका ने इसमें 7 विकेटों से ये फातह हासिल की और ये श्रीलंका का पहला वर्ल्ड कप था फातह होने का। इसके बाद अगर हम बात करें सातवें वर्ल्ड कप की, सातवां वर्ल्ड कप 1999 में हुआ, जो कि लॉर्ड्स के मैदान में हुआ। और अगर हम बात करें 1999 के वर्ल्ड कप में, इसमें पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम थी जो सिवाय एक मैच हारी थी लीग मैच वो बांग्लादेश से, अदरवाइज पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम सबसे बेस्ट टीमों में करार दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने लीग मैचेस में उनको हराया भी था। इसके बाद अगर हम बात करें स्कोर की तो फाइनल मैच में पाकिस्तान ने 132 रन पे ऑल आउट हो गए 39 ओवरों में, जो कि सबसे लोएस्ट स्कोर था पाकिस्तान का। और इसके बाद उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 133 स्कोर किया, वो भी 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, वो भी 20.1 ओवर में चेस करके। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये टाइटल फिर अपने नाम किया। इसके बाद आठवां वर्ल्ड कप 2003 में खेला गया, जो कि साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के स्टेडियम में खेला गया। और ये बात करें तो ये 23 मार्च 2003 की बात है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया था। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 359 स्कोर 2 खिलाड़ी आउट पर ये 50 ओवर में स्कोर किया, जबकि जवाब में इंडिया की पूरी टीम सिर्फ 234 रन बना के ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने ये 125 रन से जीत कर ये वर्ल्ड कप का टाइटल फिर अपने नाम किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नौवां वर्ल्ड कप, ये 28 अप्रैल 2007 में ओवल के मैदान पे हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल था, जो अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 281 4 आउट 38 ओवर का ये खेल हुआ, जिसमें श्रीलंका ने जवाब में 215 पे 8 आउट हुए और 36 ओवर में स्कोर किया। और इसमें बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 53 रन से शिकस्त दी। दसवें वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, जो 2011 में इंडिया के शहर मुंबई में खेला गया। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका वर्सेज इंडिया का ये मैच था और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 50 ओवर में किए, जिसके जवाब में इंडिया ने 277
11 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे और 48.2 ओवर में ये मैच बड़ा आसानी जीत लिया। जिसमें अगर बात की जाए एम एस धोनी कप्तान जो थे उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली यहाँ पर और अपनी टीम को वर्ल्ड कप टाइटल जिताने में उनका भी एक अहम रोल था। और ये इंडिया ने श्रीलंका को 6 विकेटों से ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 11वें वर्ल्ड कप की, ये 11वां वर्ल्ड कप 2015 में ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में मेलबर्न में खेला गया। अगर हम इस पर बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच हुआ और इस मैच में अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 183 स्कोर 45 ओवर्स में किए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 186 पर 3 विकेट के नुकसान पे 33.1 गेंद पे ये टाइटल एक दफा फिर अपने नाम किया। और जबकि अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की ये 5वां टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल क्लार्क का ये आखिरी वर्ल्ड कप था। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों से ये टाइटल अपने नाम कर दिया। अब बात करते हैं 12वें वर्ल्ड कप की। 12वें वर्ल्ड कप के बारे में अगर बात की जाए 2019 को में ये वर्ल्ड कप हुआ लॉर्ड्स के मैदान में हुआ। जबकि वर्ल्ड कप की सबसे दिलचस्प ये बात है कि ये वर्ल्ड कप ऐसा मैच था जिसमें दोनों टीमें न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए और इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 241 स्कोर ही कर सकी। जबकि ये मैच जब सुपर ओवर में चला गया, सुपर ओवर में अगर बात की जाए सुपर ओवर में 15 स्कोर किया इंग्लैंड ने और उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 15 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे किया। जबकि आईसीसी रूल के हिसाब से फिर इस मैच का फैसला उनकी बाउंड्री से हुआ कि जिसमें इंग्लैंड को उन्होंने फातिया का करार दिया। अगर इस वर्ल्ड कप के बारे में बात की जाए तो इंग्लैंड पहली दफा ये टाइटल अपने नाम कर सका। लास्ट अगर वर्ल्ड कप की बात करें इंडिया में चल रहा है और अभी हाल ही में 11-12 मैच हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे मैचेस हो चुके हैं। इंडिया के ग्राउंड में ये मैचेस चल रहे हैं, इंडियन ने ज्यादातर इसमें बैटिंग पिच बनाई है। ये वर्ल्ड कप उन सबसे इसलिए मुनफरिद है कि इस वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट स्कोर भी हो रहे हैं और अगर देखा जाए तो इसमें लो स्कोर भी हो रहे हैं। और इसमें अभी तक सबसे हाईएस्ट स्कोर 438 स्कोर हो चुका हुआ है 2013 के वर्ल्ड कप में। अब बात यहाँ पर करते हैं कि अब ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, ये तो वही बात है कि जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम करेगी। देखते रहिए हरी डिजिटल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।